से हारे वो कारण मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं हम लोग से कमी हुआ है तभी मैं हार चुकी हूँ। देशानी जब अपना बलबला कर रहे हैं तो क्यों ना वो जीत गए, उनको तो जीतना चाहिए। हमारी पार्टी मजबूत है, आगे भी मजबूत रहेगी। मैं ठोक बजा कर करती हूँ, गोझा में विधायक रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मैं काम जो मैं संकल्प ली हूँ, जिस समय मैं राजनीति में आई थी तो बोचहा में संकल्प ली थी कि मैं जब तक जीवित रहूंगी बोचहा का सेवा करती रहूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूँ आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा की बोचहा सीट पर उपचुनाव हुए थे और जो परिणाम सामने निकल कर आए उसमें से राजद के उम्मीदवार अमर कुमार पासवान की भारी मतों से जीत हुई थी। और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के तरफ से बेबी कुमारी को उम्मीदवार बनाया गया था, वहाँ बोचहा में बीजेपी की करारी हार हुई है। ऐसे में जब आज हमने बीजेपी के तरफ से बेबी कुमारी को जो उम्मीदवार बनाया गया था, ऐसे में वो चुनाव हार गई, इस पर उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है पहले आप वो सुने। देखिए, वजह कुछ नहीं है, मेन बात है कि देखिए जो जनता जनादेश दी है वो हम उनको सम्मान करते हैं, और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व तो चुनाव प्रचार में लगे हैं उनके मैं आभार प्रकट करती हूँ। और खासकर मैं देव दुर्लभ कार्यकर्ता मेहनत किया उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। कौन कारण से हारे वो कारण मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं हम लोग से कमी हुआ है तभी मैं हार चुकी हूँ। फिर इससे फिर आदमी का एक हार जीत तो लगा ही रहता है, किस वजह से हुआ वो वजह के मेरे पास आंसर नहीं। लेकिन कहा जा रहा है कि एक खास वर्ग के लोगों में नाराजगी थी। अब कौन लोगों में नाराजगी थी वो कहने की बात नहीं है। मैं हार गई, फिर लोग मेहनत करेगा, कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता या हमसे चूक हुई है या पार्टी से चूक हुई होगी तभी हुआ। सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाया, ऐसा कुछ नहीं है। जो कहने वाले क्या कह रहे हैं उन पर मैं टिप्पणी, मेरी संस्कार है, मैं जिस पार्टी के कार्यकर्ता हूँ मेरा संस्कार है किसी को आगे बढ़ाना, सबके साथ लेकर चलना। मेरा हम लोग का यही संगठन में सिखाया जाता है, एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम कर रही हूँ, आगे भी करूँगी। और जो रिजल्ट आया है 45,909 वोट हमारी जनता दी हैं, तो कहीं न कहीं वहीं के वोट है ना जी। आप आगे बढ़ाने की बात कर रही हैं और वहाँ के लोग यह कह रहे हैं कि आप ही के साथ के लोग आपकी टांग खींचने में लगे हुए थे चुनाव में, ऐसी हम क्या बदनाम, क्या किसी पर बदनामी। देखिए, जीते तो सब लोग हैं, हारेंगे तो वो उनके पर टिप्पणी, मेरे संस्कार में नहीं है कि उन पर टिप्पणी करने का, ठीक है ना, मैं कभी करूँगी। जो हुआ, जो जनादेश मिला, 46,000 वोट में वहीं के मतदाता ने दिया था, 2015 में वहीं के मतदाता ने हमको 25,000 से जिताने का काम किया था, तो मैं किसी पर टिप्पणी क्यों करूं, मेरी संस्कार नहीं है टिप्पणी करने। खास जाति के लोग भी नाराज थे आपसे कुछ कारण से, और स्थानीय नेताओं के कारण से मुझे मालूम नहीं सर। क्या लगता है कि मुकेश सहनी को जिस तरह से बीजेपी तीनों विधायक उसको अपने पाले में ला दी, उसी कारण है कि हार का? क्या बीजेपी के जो तीनों विधायक था तो बीजेपी के कार्यकर्ता था, जिस तरह बेबी कुमारी कार्यकर्ता उसी तरह उन लोग भी कार्यकर्ता था। मंत्री पद से भी उन्हें हटा दिया गया था, उसका असर हुआ क्या चुनाव में? कुछ असर नहीं है। लेकिन मुकेश सहनी जब अपना बलबला कर रहे हैं तो क्यों ना वो जीत गए, उनको तो जीतना चाहिए। हमारी पार्टी मजबूत है, आगे भी मजबूत रहेगी, मैं ठोक बजा कर कहती हूँ। लेकिन मुकेश सहनी तो काफी खुश हैं कि आप? अरे देखिए, खुश क्या खुश है, तो वो तो अंदर के बात है ना, क्या है, क्यों खुश है, खुश होना, हम भी खुश हैं। अरे जीवन में लगा रहता है हार जीत, मैं काम की हूँ, अपने काम पर मैं संतुष्ट हूँ बोचहा में। आज भी कल भी काम किए थे, आगे भी करूँगी, और जैसे जा रही थी जनता के बीच में वैसे जाऊँगी। मुकेश सहनी तो कह रहे हैं कि हमने बीड़ा लिया था चुनाव हराने का, हमने बीजेपी को चुनाव हरवा दिया। छोड़िए ना, जो कौन क्या बोला, मैं मेरी संस्कार नहीं है टिप्पणी करने पर, विश्वास नहीं रखती हूँ, अपने मिशन पर हमेशा कायम रहती हूँ। हम चूक हुआ है
हम हारे हैं तो, लेकिन 46,000 मतदाता हमको नेता मानना है, 46,000 जनता हमको वोट दी है, वही 2015 में वही जनता हमको 25,000 से जिताने का काम किया। मैं सेवक के रूप में मैंने 15 साल से 20 साल से काम कर रही हूँ, फिर सेवक के रूप में मैं काम करूँगी। अब बोचा मैं विधायक रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मैं काम जो मैं संकल्प ली हूँ, जिस समय मैं राजनीति में आई थी तो बोचा में संकल्प ली थी कि मैं जब तक जीवित रहूँगी बोचा का सेवा करती रहूँगी, तो इसी तरह मैं बोचा की सेवा करती रहूँगी। क्योंकि मेरा सरकार है, जो भी हमारी जनता की समस्या आएगी वो समस्या को लेकर अपनी सरकार को बीच में रखूँगी और काम करवाऊँगी। गठबंधन के सहयोगी दलों की भी भूमिका पर सवाल उठ रहा है कि बाकी जो दल हैं बीजेपी के अलावा, उन लोगों ने काफ़ी मेहनत वहाँ पर नहीं, नहीं सभी लोग मेहनत किए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मेरे सभा करने गए थे, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी गए थे, हमारे शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी, माननीय विजय चौधरी जी गए थे। हमारे चुनाव में सभी लोग लगे हैं और लोग क्या कर रहा है उस पर टिप्पणी नहीं करें। मैं उम्मीदवार थी, मैं बोल रही हूँ कि हमारे सारे शीर्ष नेतृत्व उस पर लगे हैं, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूँगी। और हारी हूँ, अभी भी मैं हार नहीं मानी हूँ, आज भी मैं कह रही हूँ कि मैं, मेरा सरकार है, मैं काम करवाऊँगी बोचा के लिए, मतदाता के एक एक वर्कर का मान सम्मान में कहीं कमी नहीं करूँगी, और जो जनादेश हमारी जनता दी है उनका सम्मान मैं करती हूँ। ठीक है, उनको बुजुर्ग हैं, क्या कहें नहीं कहें, हम उन पर टिप्पणी नहीं करेंगे। मैं जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं अपनी पार्टी के बारे में पूछेंगे, मैं बताऊंगी। तो आपने साफ तौर पे सुना, बेबी कुमारी ने बताया कि क्या कारण रहा बोचाहा में बीजेपी चुनाव हार गई। वहीं मुकेश सहनी को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है और साफ तौर पे कहा है कि कोई भी असर बोचाहा में नहीं पड़ा है मुकेश सहनी का, अगर मैं हार गई हूँ तब भी वहाँ पर मैं लगातार काम करते रहूँगी और जनता का जो जनादेश मिला है उसका मैं स्वागत करती हूँ। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, धन्यवाद। कारण से हारे वो कारण मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं हम लोग से कमी हुआ है तभी मैं हार चुकी हूँ। मुकेश सहनी जब अपना बलबला कर रहे हैं तो क्यों ना वो जीत गए, उनको तो जीतना चाहिए। हमारी पार्टी मजबूत है, आगे भी मजबूत रहेगी, मैं ठोक बजा कर कहती हूँ। बोचा में विधायक रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मैं काम जो मैं संकल्प ली हूँ, जिस समय मैं राजनीति में आई थी तो बोचा में संकल्प ली थी कि मैं जब तक जीवित रहूँगी बोचा का सेवा करती रहूँगी।